देखिए एक बात समझिए, मैंने पहले भी कहा था कि बाय इलेक्शन गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है। आप बंगाल का देखिए, टीएमसी सभी सीट पर आ गए, हिमाचल का देखिए। तो सवाल ये नहीं है, नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सारे लोग दो दो दिन कैंप किए, सीएम साहब गए, डिप्टी सीएम दो दो दिन रहे, मांझी गए, चिराग जी गए, ललन बाबू गए, संजय झा जी गए, सारे मिनिस्टर वहीं थे, घर घर गए सारे मिनिस्टर। तो आप उठा के देखिए ना भैया, एक बात आप समझिए, जो एनडीए का वोट कोर वोट है, एक भी वोट नहीं दिया जदयू को, बाबू साहब कि एक भी वोट जदयू को नहीं पड़ी, टोटल वोट इंडिपेंडेंट को पड़ा सारे बूथों पर। तो आप अपना वोट तो ले नहीं पाए, एनडीए का कोर वोट कहां ले पाए, अत्यंत पिछड़ी जाति और पिछड़े के वोट से ये आगे हैं। आप अंदाजा कीजिए ना, बीमा जी और कल्याण मंडल एक ही स्वजातीय से आते हैं, तो गंगोता समाज के लोग बीमा देवी जी को कम दे करके कल्याणानंद मंडल जी को दे दिया। सवाल वो नहीं है। दूसरी बात, जिन लोगों के लिए बीमा जी ने कुर्बानी दी, हमने तो उनकी गलतियों के लिए क्षमा मांगा सबसे कि हम हाथ जोड़ते हैं, माफ कर दीजिएगा। जिन लोगों के लिए कुर्बानी दी वो तो एक घंटा गए, जो सरकार में थे पूरा विधानसभा वहीं रहे, और जिन लोगों को कुर्बानी जिन लोगों के लिए दी गई वो एक घंटा गए। उसके बाद निर्दलीय को 30% माइनोरिटीज का वोट मिल गया, तो इनके वोट कट गए, तो परिवार गया, सबको की जिंदगी खत्म हो गई। जिनके लिए कहावत है जातो गमाए भातो न खाए, तो जिनके लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बानी दी, रियल में बीमा जी ने कुर्बानी दी, वो जिस परिस्थिति में है रहेंगी, मैं साथ हूं रहूंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि ईमानदार प्रयास होगी मेरी, आने वाले समय में भी जो बाय इलेक्शन है, अभी भी जरूरत है एक होकर के चुनाव लड़ने की। रुपौली में ना तो ये माले वाले को भेजे, ना सीपीआई को भेजे, ना सीपीएम को भेजे, ना कांग्रेस को पूछे, किसी को पूछा ही नहीं। पप्पू यादव तो इनके लिए लगता है कि दूध बातर वाला माछ, अब बातर वाला कहानी नहीं है, दूध वाला वही है। इन्होंने तो पूछा ही नहीं, कहा ही नहीं हमें जाने के लिए, जरूरत ही महसूस नहीं की। फिर भी हमारे सारे लोग और हमको जितनी क्षमता थी, हमने इंडिया गठबंधन के साथ हम खड़े हुए। जरा हम उस पप्पू यादव को समझना चाहते हैं, जिस दिनों भारतीय ने पप्पू यादव को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी, फिर पप्पू यादव ने अपना आशीर्वाद उनको दिया। देखिए ना, समझना जरूरी है, बिल्कुल समझिए भैया, हमारी जो सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो समाज के गरीब कमजोर तबके का है, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े जातियों का है। हम यदि उनके सम्मान स्वाभिमान और अभिमान के साथ ही खड़े हमें रहेंगे। एक पप्पू यादव का व्यक्तिगत जीवन का कोई औचित्य नहीं है, मेरे लाइफ पर गरीबों का अधिकार है, मेरे परिवार से ज्यादा है, इसको पहले आप समझ लीजिए। मेरी फैमिली का अधिकार सेकेंड है, और गरीब और आम आदमी का अधिकार मेरे लाइफ पर पहले है। दूसरी चीज सर, आम आदमी और गरीबों के लिए हम एक बार नहीं, 1,00,000 बार कानून तोड़ सकते हैं। जितनी बार 353 धारा जिसको लगाना हो लगाएं, मैं गरीबों की आजादी के लिए कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी सर, कुछ भी। दो, तीसरी चीज, बीमा भारती ने एड़ी चोटी एक नहीं किया, बीमा जी का इस्तेमाल किया गया,
गंगोत्री समाज और अत्यंत पिछड़ी जाति समाज सब दिन पप्पू यादव के साथ रही है और जिंदगी भर रहेगी। मैं उनके साथ खड़ा हूं, रहूंगा। मैं जात पात नहीं करता हूं, ना मैं करूंगा, लेकिन उस समाज के साथ बिल्कुल दिल दिमाग से खड़ा रहूंगा। इसलिए मेरा व्यक्तिगत जीवन अपना नहीं है, ये समाज का है, आम आदमी का है, गरीबों का है। इसीलिए पप्पू यादव को सीधा समझ लीजिए, मेरी अपनी लाइफ का मतलब नहीं है, मेरा लाइफ पूर्णिया के लिए है, सीमांचल और कोसी के लिए है। 2 साल के अंदर आपको सब कुछ दिखेंगे, पूरी दुनिया, पूरा सिस्टम, पूरी सरकार एक तरफ होगी, मेरा कोसी सीमांचल के विकास और आम आदमी के न्याय और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हम कोई भी काम करेंगे। षड्यंत्र पर षड्यंत्र हो रही है, प्रशासनिक षड्यंत्र किया जा रहा है, मरवाने की साजिश हो रही है, फिर भी पप्पू यादव किसी चीज की परवाह नहीं करेगा। पप्पू यादव वर्सेस ऑल हो जाता है हर बार, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का हो। सर आप एक बात समझिए, पप्पू यादव से हर माफिया, अपराधी, दलाल, भ्रष्टाचारी, शासन, प्रशासन, नेता क्यों खौफ खाता है? क्या कारण है? हम ना किसी से मतलब रखते हैं, ना किसी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब रखते हैं, ना किसी की आलोचना करते हैं, ना मैं करूंगा। तो फिर सबके एक होने का क्या मतलब, आप हमको बताइए ना। इसका मतलब है कि सभी लोग अपने पाप, कुकर्म और अपने बेईमानी को पप्पू यादव से ढकना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। मैं 2 महीने के अंदर, इस 1 महीने के अंदर एक एक पर्दा में खोलूंगा लोकसभा के भीतर कि पूर्णिया में आदिवासी जमीन की लिखाई पुताई कैसे की गई, उसकी भी जहां जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गरीबों की जमीन में किस किस पदाधिकारी और बड़े माफियाओं का हाथ है उसमें भी जाएंगे। उस इलाके में कितने पैसे का गमन हुआ है उसमें भी जाएंगे। मैं चाहता हूं हर परिस्थिति में 40 सालों से जो लोग राजनीति में आए हैं, पदाधिकारी कोसी सीमांचल में काम किए हैं, बाढ़ के इलाके में, उनके 40 साल 25 साल पहले की संपत्ति और 25 साल बाद की संपत्ति की जांच हो, शुरू पप्पू यादव से और पप्पू यादव के परिवार से हो, सीबीआई ईडी की जांच हो। इस बिहार के लगभग सर सबसे ज्यादा ड्रग्स स्मैक्स वाइटनर के शिकार हो चुके हैं 80% यूथ, और उसमें सबसे ज्यादा भूमिका नेता माफिया पदाधिकारी की है। सर हमसे औरतें आके कहती है बचा लो बेटा, और उसमें ये लोग ड्रग्स का काम पूरे बिहार में, हमारे इलाके में तो समझिए 90% यूथ ड्रग्स स्मैक और वाइटनर के शिकार हो चुके हैं, कोरेक्स के शिकार हो चुके हैं, नेपाल और बंगाल के, बांग्लादेश के कारण। इतनी बुरी स्थिति है सर, आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। पढ़ाई तो खत्म है, सुन पे है सर, और ये लोग, मैं क्या करूं इसका पैसा। सारे 60-70% 80% टेंडर का पैसा, जितने टेंडर होते हैं सब इन माफियाओं, एक एक व्यक्ति को 10-10, 20-20 टेंडर। इसकी भी जांच उठाऊंगा हर कीमत पर। जमीन की रजिस्ट्री जो कलेक्टर के बगैर नहीं हो सकती है वो रजिस्ट्री हुआ है। जो जो कलेक्टर रहे हैं पूर्णिया में उस इलाके में और जो जो पदाधिकारी, उसकी जांच, और उन नेताओं की जांच उठाऊंगा जो 20-25 सालों में एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी बने हैं, उनकी संपत्ति कितनी है। तीसरी, जो नेता अपने क्षेत्र में मां बाप, भाई बहन के नाम से कंपनी बना करके बेटा के नाम से टेंडर लिया है, ठेकेदारी किया है, वो क्यों लिया? अपने अपने क्षेत्र में जाके सर काम लेना, इसका मतलब है आप प्रभावित कर रहे हैं। तो ये क्या लाभ नहीं है, फायदा नहीं है, इसको लेके मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं और ये मामला सदन में उठाऊंगा।
कि इन लोगों की संपत्ति की जांच की जाए और किस किस नेताओं के बाप दादा नाना के बेटा के नाम से, माए के नाम से, और कितने सर 100-100, 200-200 करोड़ का RWD और पूल निगम में इन लोगों का टेंडर है और लगभग बिहार के नेताओं की यही स्थिति है। तो मैं तो जांच चाहता हूं सर, जांच CBI और ED से जांच, विजिलेंस से जांच चाहता हूं। संविधान हत्या दिवस बीजेपी, अब राजनीति सबको करने का राइट है, वो राजनीति करते हैं, करते रहने दीजिए, फिर किसकी सरकार आएगी तो दूसरी राजनीति होगी। सर उसमें हम क्या कर सकते हैं, विकास की बात तो कुछ होती नहीं है, रोजगार की बात होगी नहीं, नीट की बात होगी नहीं, एजुकेशन की बात होगी नहीं, महंगाई की बात होगी नहीं, किसानों की बात होगी नहीं, रोजगार की बात होगी नहीं, आयुष्मान की बात करेंगे नहीं, जनधन की बात करेंगे नहीं। सर एक भी रोजगार पर कभी चर्चा होती है? हमेशा हमेशा मुद्दों को ढकने के लिए एक नई बात, युवाओं की आवाज को डाइवर्ट करने के लिए एक नई बात, किसानों के मुद्दों को ढकने के लिए एक नई बात। जब कोई चीज नहीं बचता है तो कोई चीज निकालो। आप बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पर आप इस तरह का टिप्पणी, संविधान हत्या दिवस, ये तो सीधा अंबेडकर साहब पर के विचारों पर सीधा सवाल खड़ा करना है। कांग्रेस से आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदिता क्या है वो बिल्कुल डिफरेंट है। संविधान को आप हत्या दिवस के रूप में यह शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते।